नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आयुष मंत्रालय के तहत मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में योग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, जो कि विश्व भर में 13 मार्च 2022 से 21 जून 2022 के बीच 100 दिन 100 शहरों और 100 संगठनों तक चलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के आरंभ होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग, केंद्रीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी और ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। इस आयोजन का मूल उद्देश्य योग के विभिन्न आयामों तथा इसकी उपयोगिता को व्यापक रूप प्रचारित और प्रसारित करना है और साथ ही स्वास्थ्य कल्याण और विश्व शांति के लिए IDY 2022 के लिए 100 दिनों के उल्टी गिनती अभियान को बढ़ावा देना भी है। वही सीएम ने बताया कि वर्ष 2025 में स्नातक की सीटों यानी कि 3035 हो जाएगी। नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। छोटे कस्बों और बड़े गांवों में अस्पताल और नर्सिंग होम खोलने पर 3 वर्ष तक ऋण के ब्याज में 2% की छूट और हर खंड में टीबी जांच के लिए मॉलिक्यूलर टेस्टिंग लैब की सुविधा भी दी जाएगी। गरीबों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल यूनिट शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है। पंडित भगवदयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान PGIMS रोहतक राज्य में आयुर्विज्ञान का प्रसिद्ध संस्थान है। मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि PGIMS ने अपने अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू करने की चुनौती स्वीकार की है। मुझे आशा है कि वर्ष 22-23 में PGIMS रोहतक में किडनी ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा ये चालू हो जाएगी। सरकार महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, गुरुग्राम जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और शहीद हसन का मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज नू में एक डेंटल कॉलेज की स्थापना करने जा रही है। इन कॉलेजों के निर्माण पर लगभग 2600 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। 22-23 में फरीदाबाद जिले में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय संस्थान राजकीय मेडिकल कॉलेज की भी पूरी तरह से संचालित होने की संभावना है। सरकार ने कैथल, सिरसा, यमुना जिलों में नए मेडिकल खोलने की भी मंजूरी दी है, जिसके DPR तैयार की जा रही है। मरीजों की अधिकता होने के कारण से कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। लगभग 5 वर्ष पूर्व हमने एक टारगेट तय किया था कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि राज्य की जनता ने इस लक्ष्य की पूर्ति दिशा में काम करने के लिए सरकार को सक्षम बनाने की शक्ति का आशीर्वाद मुझे दिया है। इस बजट में मैं पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला और फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूं। इस घोषणा के साथ प्राय हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का जो हमारा उस समय का इरादा था वो पूरा हो जाएगा। उक्त भूमि के चयन और परियोजना रिपोर्ट करने की प्रक्रिया अगले 3 महीनों में शुरू कर दी जाएगी। वर्ष 2025 तक हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों में स्नातक की सीटों की संख्या बढ़कर 3035 हो जाएगी। सरकार का फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला जिलों में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य है। इसका निर्माण कार्य 194 करोड़ रुपए की लागत से जारी है। आगामी 3 माह में पूरा होने की संभावना है। जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, यमुनानगर में स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेजों और इस बजट में घोषित अर्थात पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला और फतेहाबाद के मेडिकल कॉलेजों के साथ भी नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार टेलीमेडिसिन सेवा की स्थापना उन्हें को मंजूरी दे दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ने वाले मेडिकल कॉलेजों के साथ टेली कंसल्टेशन रेफरल सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है, जिससे PHC को उन रोगियों को रेफर करने की क्षमता प्रदान की जा सकती है जिन्हें सीधे PHC स्तर पर तृतीयक देखभाल की आवश्यकता होती है।
120 एलोपैथी और आयुष की उपचार पद्धतियों के संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे को समझ सके। मैं आशा करता हूं कि 22-23 में किसी एक मेडिकल कॉलेज में हरियाणा स्वास्थ्य विज्ञान संश्लेषण और अनुसंधान केंद्र स्थापित हो जाएगा। सरकार केंद्र की स्थापना के लिए धनराशि उपलब्ध कराएगी। मुझे आशा है कि आने वाले समय में दोनों पद्धतियों अर्थात एलोपैथी और आयुर्वेदिक का एक पद्धति में सम्मिश्रण होने से बीमारियों का उपचार होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया और सीएम ने वर्ष 2022 और 23 के लिए 1,77,255 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष से 15.6% अधिक है। इसमें 61,57 करोड़ पूंजीगत व्यय है। सीएम ने सरकारी कॉलेजों और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन को शामिल करने का निर्णय भी लिया है। कौशल विकास के लिए गुरु शिष्य योजना के तहत 25,000 गुरु और 75,000 शिष्यों सहित 1,00,000 व्यक्तियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में दोहरी ट्रैक प्रणाली के तहत कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के 44 नई ट्रेड यूनिट्स को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। लोगों को कुशल रोजगार योग्य युवा उपलब्ध कराने के क्रम में HSIDC द्वारा HSSU और औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों के सहयोग से अपने औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कौशल प्रशिक्षण केंद्र युवाओं को नामांकित करेंगे और प्रशिक्षण की दोहरी ट्रैक प्रणाली का उपयोग करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इससे हरियाणा में रोजगार के इच्छुकों और नियोक्ताओं के बीच की खाई भर जाएगी। अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत 78 सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया है। वर्ष 21-22 में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के तहत 14,387 अप्रेंटिसशिप नियुक्त किए गए थे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 17-18 से अब तक प्रति लाख जनसंख्या पर प्रशिक्षकों की नियुक्ति में हरियाणा को देश में लगातार पहला स्थान मिला है। रोजगार, माननीय अध्यक्ष महोदय, महामारी के बाद सरकार ने भौतिक विकास और मानव विकास के प्रमुख पहलुओं के रूप में युवा उद्यमिता और रोजगार सृजन पर अधिक बल दिया है। परिवार पहचान पत्र डाटा से बेरोजगार युवाओं की वास्तविक संख्या सामने आई है और सरकार ऐसे युवाओं को उद्यमी और रोजगार योग्य बनाने के लिए रणनीति बनाएगी। हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर और सरकार में अस्थायी कार्य आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए सक्षम युवा प्लेसमेंट सेल और हरियाणा रोजगार पोर्टल एक प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किए गए हैं। रोजगार पोर्टल पर 14,574 कर्मचारियों और 27 जॉब एग्रीगेटर्स को जोड़ा गया है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु युवाओं की सुविधा के लिए सरकार की प्रदेश भर में 200 रोजगार मेले आयोजित करने की योजना है। हरियाणा के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने कौशल प्रशिक्षण और विकास तंत्र निपनाया है जो विदेशों में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को कौशल प्रदान करेगा। इस तंत्र के कार्यान्वयन और विदेशों में प्लेसमेंट के अवसर तलाश करने के लिए नव स्थापित विदेश सहयोग विभाग में हरियाणा विदेश रोजगार प्लेसमेंट सेल स्थापित किया गया है। मुझे आशा कि यह सेल अगले 2 वर्षों में 1,00,000 युवाओं को प्रशिक्षण व प्लेसमेंट दिलवाएगा। वर्ष 22-23 के बजट में कौशल विकास और रोजगार क्षेत्र के लिए 1,671 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 23% अधिक है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए, साथ ही कई योजनाओं की शुरुआत भी की है। एकल पंजीकरण पोर्टल से ई लर्निंग तक कई अहम कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। आइए जानते हैं रोजगार और कौशल से जुड़ी योजनाओं के बारे में। एक प्रदेश का विकास वहां के युवाओं से होता है। युवाओं की ही तरक्की से देश आगे बढ़ता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में युवाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। वो फैसले जिनसे युवाओं का विकास निश्चित है। हरियाणा सरकार ने नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एकल पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है। उम्मीदवारों को केवल एक बार
पोर्टल पर आवेदन करने और फीस जमा करने की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ कर सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के इच्छुक युवाओं को बड़ी राहत दी है। एकीकृत रोजगार पोर्टल पर कौशल युक्त युवाओं, नियोजकों और जॉब एग्रीगेटरों का पंजीकरण किया जा रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चलने वाले 78 व्यवसायों के सैद्धांतिक विषयों की ई लर्निंग सामग्री को विभाग की वेबसाइट पर डाला गया ताकि प्रशिक्षणार्थी किसी भी समय इसे देख सकें। शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना के तहत पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को ₹300 और पात्र स्नातक बेरोजगारों को ₹1500 और 10+2 पास बेरोजगारों को ₹900 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता और 100 घंटे कार्य करने के एवज में ₹6000 प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जा रहा है। ऐसे युवा जो ग्रेजुएट्स हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो गए हैं और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक उनको 3 साल के लिए हम एक नए प्रकार की सहायता देते हैं, वो है सक्षम युवा। सक्षम युवा में उनको रजिस्ट्रेशन के बाद 100 घंटे का काम ये सरकार की ओर से दिया जाता है और उस 100 घंटे के काम के बदले उनको 7,500 रुपया ग्रेजुएट को, 9,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट को, ताकि वो खाली ना रहे। 100 घंटे के काम के बदले कुछ पैसा अगर उसके पास जेब में आएगा तो अपने आप को आगे बढ़ाने में, फॉर्म भरना है, कहीं ट्रेनिंग लेनी है, कहीं उसको कोई फीस भरनी है, तो उस नाते से उसकी जेब में पैसा हो जाए, पढ़ाई लिखाई के बाद भी अपने माता पिता पर बोझ न रहे। इसके अंदर भी 59,000 युवकों ने 59,000 इस प्रकार के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में से 48,000 लोगों को हम किसी ना किसी रूप में काम दे चुके हैं। राज्य के जो युवा शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार हैं, उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल पाती, उन बेरोजगार युवाओं के लिए हरियाणा सरकार ने सक्षम योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की ओर से 10+2 स्नातक और समकक्ष युवा जो कि सक्षम योजना के अधीन पात्र नहीं है, उनके लिए बेरोजगारी भत्ता योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार की इन योजनाओं से हरियाणा सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता साफ दिखती है। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का।